but it should be borne in mind to all by all the speakers that we should confine our discussion only on the bill. Let us not digress to other aspects. Now, Sri Rajiv Ranjan. सभापति महोदय, वास्तव में ये बिल बहुत छोटा बिल है और इस बिल जो है वो सीधे जम्मू और कश्मीर के विकास के साथ जुड़ा हुआ बिल है। अब इस पर बहुत ही लंबी बात करना, कई सदस्यों ने बात की, धारा 370 की बात की, 35A की बात की, अब वो विधवा विलाप करने का समय नहीं है, वो विधवा विलाप करने का बात खत्म हो गया। इसलिए कि हम लोगों ने भी 370 का समर्थन नहीं किया था, लेकिन आज वो कानून है। अगर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं और इस संसद ने उस कानून को पास किया और कानून को बना दिया, तो वो कानून आज लागू है और उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब यह विधवा विलाप कहीं बात, अब ये बात हो रही है जम्मू कश्मीर के विकास की बात और आप शुरू कर रहे हैं 370 की बात। अभी हम हसनैन साहब की बात सुन रहे थे, हसनैन साहब ने कहा कि वहाँ के लोगों में विद्रोह है, कई और साथियों ने भी कहा, दादा ने भी कहा, कई कोर्ट पढ़ के सुनाया, उन्होंने कहा कि वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि उनका हक मारा जाएगा। भाई हमने बिल में देखा है, इस बिल में भारतीय सेवा के अधिकारियों की बात है, लोकल अधिकारियों का हक कहां मारा जाएगा? लोकल लोगों का, जो स्टेट सर्विस में रिक्रूटमेंट होता है, जो स्टेट सर्विस में रिक्रूट होंगे, उनका हक कहां मारा जा रहा है? तो कहीं से बात कहीं जोड़ दे रहे हैं, गाय का सील सिंह जो है बैल में जोड़ दे रहे हैं, बैल का सील गाय में जोड़ दे रहे हैं, है क्या मतलब है इसका? ये बात, आप धारा 370 जब था, कितना पैसा आजादी के बाद से आज तक जम्मू एंड कश्मीर में अगर किसी ने शासन किया तो या तो वहां के क्षेत्रीय दलों ने शासन किया या कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कहीं नहीं विकास हुआ आज तक जम्मू एंड कश्मीर का। मुझको भी 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में या उसके पहले राज्यसभा के सदस्य के रूप में हमको जम्मू एंड कश्मीर जाने का मौका मिला है, कई बार हम गए जम्मू एंड कश्मीर का। आप डल लेक की बात जो दादा कर रहे थे, क्या स्थिति था डल लेक का? उसके बगल से आप क्रॉस पार नहीं कर सकते थे, बदबू आती थी पूरे डल लेक से। वहां का जो सबसे सुंदर जो कश्मीर का पर्यटक स्थल है पहलगांव या गुलमर्ग, अगर श्रीनगर से आप पहलगांव और गुलमर्ग जाते तो 3 घंटा 4 घंटा आपको जाने में लगता था, कहीं सड़क था क्या? हमको भी देखा है, हमने भी देखा है। और आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अगर वहां विकास करना शुरू किया है और विकास के हित में अगर यूनियन टेरिटरी के अफसरों की कमी को देखते हुए अगर सबों को मर्ज करने का, विलय करने का फैसला किया है, तो यह स्वागत योग्य है। सभी सदन के सदस्यों को इसका स्वागत करना चाहिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज विकास वहां है, हो रहा है, विकास तेजी से हो रहा है। मुझको भी, हम जाते रहते हैं माता वैष्णव का दर्शन करने के लिए बीच बीच में, तो वहां भी हमको देखते हैं, पता करते हैं। जब वहां मलिक साहब गवर्नर थे उस समय भी हम गए थे और फिर भी दोबारा भी गए, विकास हो रहा है वहां और तेजी से विकास हो रहा है। और उस विकास को अगर गति देने के लिए केंद्र सरकार ने यह बिल लाया है तो इस बिल का जितना भरपूर समर्थन किया जाए वो उचित है। और इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि इस बिल का समर्थन करते हुए हम बाकी माननीय सदस्यों से कहेंगे कि जब जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति पर कभी चर्चा हो सदन में तो विधवा विलाप करिए, अब आज की तारीख में विधवा विलाप मत करिए, जम्मू एंड कश्मीर के विकास के साथ अपने आप को जोड़ने का काम कीजिए, आप उसके भागीदार बनिए। और इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। मालूक नागर जी।